कहीं से भी मीन्स जो आपकी फोन टेलीफोन डायरेक्टरी होती है वहाँ से हंड्रेड सर को उठा लिया गया है रेंडमली और वहाँ पे क्या कहा गया है नंबर ऑफ सर नेम मीन्स सिक्स नंबर ऑफ सर नेम ऐसे है जहाँ पे नंबर ऑफ लेटर वन टू फोर कैसे हैं नंबर ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज द सर नेम फाउंड एज फॉलोज मीन्स अल्फ़ाबेट सरनेम के अल्फ़ाबेट बताए गए हैं कि सिक्स नंबर ऑफ सरनेम ऐसे है जो जि, जिनके कहाँ हैं मीन्स वन टू फोर अल्फाबेट्स हैं ठीक है फोर तक अल्फाबेट्स हैं थर्टी सरनेम ऐसे थे जिनमें फ़ोर टू सिक्स लेटर्स थे क्या थे लेटर्स जैसे अल्फाबेट ए बी सी डी एफ एंड फोर्टी फोर सरनेम ऐसे थे जिसमें जो लेटर्स है वो कितने हैं सिक्स टू एट लेटर है सरनेम के अंदर जैसे हम यहाँ पे जैसे कोई नाम लिख रहे हैं सरनेम है जैसे दलाल डी ए एल ए एल सो वन टू थ्री फोर फाइव सो टोटल नंबर ऑफ़ फाइव लेटर इन दिस सरनेम तो इसी तरह से यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि एक सरनेम जो ये नंबर ऑफ सरनेम्स है हैं पे पर्टिकुलर सरनेम में इतने लेटर्स है ठीक है क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है अब क्या कहा है आपको एक हिस्टोग्राम बनाना है हिस्टोग्राम पे इनको रिप्रेजेंट करना है सेकंड क्या कर राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम लाइ मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम लाइज तो यहीं से पता चल रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम नेम कहाँ पर है यहाँ पे टोटल में हमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम नेम यहाँ पर नजर आ रहा है अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है भाई क्वेश्चन में पूछा गया है क्लास इंटरवल आपको बताना तो क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा सिक्स टू एट आंसर हमारा क्या आ जाएगा सिक्स टू एट क्लास इंटरवल में मैक्सिमम नंबर ऑफ सरने में ठीक है ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर अब यहाँ पे क्या करना है हिस्टोग्राम बनाना है हिस्टोग्राम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चा यहाँ पे हमें सबसे पहले विड्थ निकालनी पड़ेगी क्यों निकालनी पड़ेगी क्योंकि जो डिफरेंस है बिटवीन द क्लास इंटरवल इज टोटली डिफरेंट नॉट इक्वल मीन्स वन टू फोर इज द डिफरेंस विड्थ क्या होती है मैंने बताया था विड्थ होती है इनका डिफरेंस सो वन टू फोर कितना है आपका थ्री एंड फोर टू सिक्स कितना है बेटा फोर टू सिक्स मीन्स टू सिक्स टू एट अगेन टू एट टू ट्वेल्व फोर ट्वेल्व टू ट्वेंटी द डिफरेंस इज एट सो विड्थ क्या होती है विड्थ मीन्स विड्थ ऑफ द बार कि जो आपका ग्राफ के ऊपर बार बनेगा उसका बेस कितना लेके आप चलोगे ठीक है अब आपको पता है लेंथ ऑफ द बार भी हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि लेंथ जो बार की होती है हम इस फ्रिक्वेंसी को डायरेक्ट पुट नहीं करते जब क्वेश्चन में आपका क्लास इंटरवल डिफरेंट दिया हो तो आपको लेंथ ऑफ द बार निकालनी पड़ती है ठीक है सो लेंथ ऑफ द बार कैसे निकालते हैं बेटे जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी होती है उसको डिवाइड कर देते हैं विड्थ से और मिनिमम विड्थ से मल्टीप्लाई कर देते हैं मिनिमम विड्थ क्या होती है जो भी आपकी विड्थ के अंदर सबसे कम नंबर होता है मीन सबसे कम नंबर यहां पे हमें टू ही दिख रहा है तो हम क्या करेंगे टू से मल्टीप्लाई कर देंगे दैट मीन्स करने का पर्टिकुलर क्या है फ्रीक्वेंसी आपकी सिक्स है डिवाइड किससे करेंगे विड्थ से मल्टीप्लाई किससे करेंगे जो भी जो ये आपकी मिनिमम विड्थ होती है ये चेंज नहीं होती ये सेम रहती है तो आप एक ही बार देख लीजिए जो मिनिमम नंबर है वो टू है चाहे इसे पिकअप करो चाहे इसे करो सेम ही थिंग है तो यहाँ टू से मल्टीप्लाई होता रहेगा सिर्फ ये चेंज होंगे ये चेंज नहीं होंगे सो so, करेंगे तो थ्री वन जा थ्री टू जा टू टू ज़ा फोर दैट मीन्स कितना आ गया फोर नेक्स्ट वन करेंगे बेटा कितना आ जाएगा थर्टी अपॉन डिवाइड बाय टू एंड जो मिनिमम विड्थ था वो तो टू है टू से टू कैंसिल आउट हुआ दैट इज इक्वल टू थर्टी नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा यहाँ पे लिख देते हैं ये क्या निकाल रहे हम लेंथ ऑफ़ बार ठीक है नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा फोर्टी फोर डिवाइड बाई टू एंड मल्टीप्लाई बाई टू डिवाइड बाई टू क्यों किया क्योंकि जो आपकी विड्थ है वो टू है और मल्टीप्लाई बाय टू क्यों किया क्योंकि जो मिनिमम विड्थ हम लेके चल रहे हैं वो टू है ठीक है सो टू से टू अगेन कैंसिल फोर्टी फोर नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा डिड बाई फोर मल्टीप्लाई बाई टू दैट इज फोर वन जाोर फोर जा फोर टू जाट कितना आ जाएगा एट नेक्स्ट वन इज बाय एट एंड मल्टीप्लाई बाय टू टू वन जा टू फोर जाट फोर वन जा फोर वन जाट इज इक्वल टू वन ठीक है सो ये हमारी क्या आ गई है लेंथ ऑफ द बार्स और ये क्या आ गई है विड्थ ऑफ द बार तो यहाँ पे हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे हमने ग्राफ ले लिया हमारे सामने ग्राफ है इसके ऊपर हम वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ सर नेम्स एंड एक्स एक्सिस पे क्या मेंशन कर रहे हैं नंबर ऑफ लेटर्स ओके अब हमें क्या करना है एक हिस्टोग्राम बनाना है हिस्टोग्राम के जो हमारे बार्स होते हैं उनके बीच में गैप नहीं होता है तो फटाफट से बनाते हैं यहाँ पे फर्स्ट वन क्या है भाई फर्स्ट वन आपका दिया है लेंथ ऑफ द बार कितनी रहेगी फोर अभी हमने यहाँ कैलकुलेट किया है कॉर्नर पे यहाँ पे देखिए पेन पे हमारा मैं आपको दिखा देती हूँ दिस वन यहाँ पे और यहाँ पे फोकस करना है अब इनको आप छोड़ दीजिए भूल जाइए ठीक है जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है उसी पे फोकस करना है आपको सो so, कितना है आपका वन टू फोर कहाँ तक जाना है वन से लेके फोर तक सो so, पहले बेस बना लेते हैं बेस ऑलरेडी वैसे बना हुआ है लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको शो कर देती हूँ अलग से सॉरी ये थोड़ा ज़्यादा हो गया फोर तक जाना भाई फोर तक ठीक है और कितना है आपका लेंथ ऑफ द बार कितना है फोर ठीक है so, सो यहाँ पे आप देखिए जीरो टू टेन है जीरो टू टेन है सो टू टू का डिफरेंस होगा सो टू लाइन प्लस टू लाइन इट मीन्स कहाँ तक जाएगा आपका यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होगा आपका फाइव होगा डेफिनेटली सी बात है जीरो टू टेन है तो बीच की लाइन आपकी फाइव होगी फोर है तो इट मीन्स इससे फर्स्ट वन लाइन जो हमारी ये है ये वाली लाइन्स ओके okay? ठीक है ये वाले ये थोड़ा सा निकल गया है पेन से नहीं बनाना है आपको पेंसिल से बनाना है ताकि इरेज हो सके ये गलती से थोड़ा सा निकल गया नेक्स्ट वन पे चलते हैं भाई नेक्स्ट वन कितना है आपका थर्टी विड्थ ऑफ द बार कितना है टू विड्थ ऑफ द बार कितना है टू दैट मीन्स फोर टू सिक्स यहाँ तक रहेगा विड्थ ऑफ द बार एंड लेंथ ऑफ द बार इज़ थर्टी दैट मीन्स थर्टी यहां पे थर्टी है इट मीन्स यहां से लेके यहां तक इस वे में ओके okay? ओके okay, बेटा नेक्स्ट वन क्या है आपका फोर्टी फोर विर्थ ऑफ द बारी इज टू एंड फोर्टी फोर फोर्टी फोर कहां पर आएगा भाई फोर्टी तो यहां पे है सो फोर्टी फाइव यहां पे होगा तो फोर्टी फोर मीन्स वन लाइन नीचे यहां पे, और डिस्टेंस कितनी रहेगी सिक्स टू एट दैट मीन्स यहां तक सो so, ज्वाइन करेंगे नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा बेटा एट एंड द गैप ऑफ द बेस इज फोर मीन्स एट टू ट्वेल्व एट टू ट्वेल्व मीन्स दिस वन एंड लेंथ ऑफ द बार इज एट एट मीन्स टेन तो यहाँ से है मीन्स टू बार्स नीचे यहाँ तक हमारा टेन है तो हम कहाँ तक जाएंगे टू बार्स नीचे तक जाएंगे मीन्स वन लेफ्ट करा देन टू यहां से कहां तक जाएंगे भाई ट्वेल्थ तक यहां तक ओके इस तरह से ओके नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट वन क्या है बेटा एट विर्थ ऑफ द बार इज एट मीन्स ट्वेल्व टू ट्वेंटी मीन्स यहां तक बिल्कुल ये कंप्लीट एंड कितना है लेंथ ऑफ द बार इज वन वन दैट मींस टू बार जो ये टू स्मॉल लाइंस यहां पे आपको किसका वन यूनिट को रिप्रेजेंट कर रही है भाई वन एंड टू दैट मींस हेयर टू हेयर ठीक है ओके okay. इस वे में आपका ग्राफ रेडी है बिल्कुल इसी वे में आपको बनाना है ये थोड़ा सा हो गया है नीचे रखना आपको टू तक ठीक है हाँ जी तो यहाँ पे हमारा बार कंप्लीट होता है देखो यूनिट लिखना भूल गए यूनिट आपको जरूर लिखना है वन यूनिट इक्वल टू कितना लेके चल रहे हैं हम टेन फोर वाई एक्सिस ओके सो यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है